धन्यवाद राजीव जी। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि विजय टिकट की घोषणा के बाद कैलाश विजयवर्गीय साहब ने क्या कहा, वो कितना तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। विजयवर्गीय साहब हुआ है कि उनको एक विधानसभा लड़ने के लिए कहा जा रहा है तो कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं था, और ये पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा रहे थे बीजेपी का, ये वही विजयवर्गीय साहब है। अभी सीधी में जिस सम्मानित विधायक जी का टिकट काट दिया गया है उनका एक वायरल वक्तव्य वायरल हो रहा है, उनका ये कहना है कि रीति पाठक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से हारने वाली उम्मीदवार साबित होंगी। ये केदारनाथ शुक्ला जी का वक्तव्य है। ये वही केदारनाथ शुक्ला जी हैं जिनका विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया था और इस लिस्ट में उनका टिकट कट गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन जिन सम्मानित मंत्री जी लोगों का अब तक नाम आया है, किसी भी मंत्री जी ने उत्साहपूर्वक ये नहीं कहा कि ठीक है मैं चुनाव मैदान में उतरने हम जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी अभी कल तक अपने भाई को मंत्री बनवाने के लिए संघर्षरत थे इसी मध्य प्रदेश में, वो नहीं हुआ। कुलस्ते साहब के बारे में सभी आप जानते हैं कि फगन सिंह कुलस्ते साहब कितने होनहार सांसद रहे हैं, वो कितने आरोप उनके ऊपर लगे हैं। हमारे घर से यहाँ बैठे हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिचित न हो। 6 बार के सांसद हैं, आदिवासी सांसद हैं, कभी विधायक का चुनाव लड़े, एक बार आदिवासी चेहरा रहे बीजेपी के, लेकिन बीजेपी ने कभी उनको आगे नहीं किया, सांसद बनते रहे। आज क्या स्थिति उनकी, यह तब हो रहा है जब आप ये कह रहे हैं कि आप युवा नेतृत्व सामने लाना चाहते हैं, इसमें कितने लोग युवा हैं ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। और अगर आप, क्या ये संभव है कि आप चुनाव लड़े हारे अलग की बात की स्थिति हो सकती है, जो आपका स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय संगठन है, स्थानीय मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उनकी उपेक्षा करके चुनाव जीत सकते हैं? कभी ये हुआ है? आज जिस तरीके से परसों की जनसभा में प्रधानमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान की अनदेखी की, उनका नाम तक नहीं लिया, उनके कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया, उनकी तरफ देखा तक नहीं, आप इस व्यवहार के बाद आप ये मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, और उस एंटी इनकम्बेंसी में भी नेता तो आपकी पार्टी के वही है, और कोई एक ऐसा नेता नहीं है यार जिसका पूरे मध्य प्रदेश में एक असर हो, किसी नेता का आप नाम नहीं ले सकते, सब इलाकाई नेता है। अकेले शिवराज सिंह चौहान है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि रतलाम से लेकर के रीवा तक इनका असर है, ग्वालियर से लेकर सिंगरौली तक इनको इनका असर है, एक पिछड़े वर्ग के नेता आते हैं इनके बारे में लोग जानते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है, एक असफल मुख्यमंत्री है ये, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है जिसके बारे में शिवराज सिंह चौहान जाने। 20 साल तक सत्ता आप भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने ही संभाली है, या तो आप इनको बाहर कर दीजिए और कोई नया चेहरा ला दीजिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जो भी प्रयोग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, सवाल है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे क्या है? आपके गवर्नेंस की विफलताएं, आपके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, आपकी सरकार के ऊपर लोगों को रोजगार न देने का आरोप, आपके सरकार के ऊपर किसानों के साथ अमर्यादित और उनके साथ भेदभाव पूर्ण आचरण करने का आरोप, मतलब जो पैसा एमएसएपी के नाम पर कहा गया था कि जो पैसे का अंतर होगा किसानों को बाजार के भाव से नहीं मिलेगा, उस पैसे की भरपाई सरकार करेगी, उस पैसे की भरपाई में कितना घोटाला है, किस तरह के आरोप लगे हैं इस सरकार के ऊपर। मानव विकास के जो इंडेक्स है उसमें आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए क्या स्थिति है, आर्थिक विकास के जो इंडेक्स है मध्य प्रदेश को उसको उसमें देख लीजिए आप, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उसमें भी आप मध्य प्रदेश की गणना कर लीजिए, कर्जे कितने हैं मध्य प्रदेश के ऊपर आप इसकी गणना कर लीजिए। जो मुद्दे मध्य प्रदेश को लेकर के हैं उनका उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है, और चेहरा बदल दीजिए, सांसद को विधायक का चुनाव लड़ा दीजिए, मंत्री को नगर निगम का चुनाव लड़ा दीजिए, ये टोटकेबाजी से थोड़ा राजनीति चलती है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपने इन आदिवासियों का यश सशक्तिकरण नहीं किया कि कोई एक युवक के ऊपर पेशाब करते हुए चिल्लाए भी नहीं, वो दौड़ के थाने भी न जाए, ये सशक्तिकरण का आपका मादा है 20 साल लगातार सत्ता में रहने के ऊपर, और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, मतलब शुरुआत के ओबा जी के कार्यकाल को हटा दीजिए कुछ समय के लिए, और इधर बीच में 1.5 साल पे आप कमलनाथ जी के कार्यकाल को हटा दीजिए, तो बाकी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। यह आपका आपके गवर्नेंस की स्थिति है। उज्जैन में एक महिला, एक बेचारी लड़की, मानसिक रूप से विकसित लड़की,
वह उसके साथ के दुराचार होता है और घूमती रहती है, कोई व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं निकलता। और आप उस आप वो जैन को एक आगे बताने के लिए बनाने का दावा करते हैं, ये आपके सशक्तिकरण का दायरा है। किया क्या है आपने? तो जो मुद्दे आपके सामने हैं उन मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे और आप इस तरह के टोटके लेकर के आएंगे तो आप कहां से जीत, किस तरह का चुनाव लड़ लेंगे आप? और दूसरी चीज, जिस बात की कोई भी समाज का कोई व्यक्ति समान मतदाता वह खंडित संगठनों संस्थाओं में विश्वास नहीं व्यक्त करता। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रही है। शिवराज जी की अलग बीजेपी है, ज्योतिरादित्य जी की अलग बीजेपी है, नरोत्तम मिश्रा जी की अलग बीजेपी है, कैलाश विजय वर्गीय साहब की अलग बीजेपी है, नरोत्तम नगन सिंह पटेल साहब की अलग अलग बीजेपी है, हर व्यक्ति की अलग अलग बीजेपी है वहाँ। और उस बीजेपी में और आप कोई किसी व्यक्ति को आप नेता ही बनाने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं मान देता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं जिता सकते हैं तो नरेंद्र मोदी भी बीजेपी को नहीं जिता सकते, संभव नहीं है वो। एक पब्लिक कनेक्ट के लिए आपके पास स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, वही स्थिति राजस्थान में भी। मध्य प्रदेश में अगर आप आते, और इतनी बड़ी बगावत क्यों होती है? एक दौर था कि मैं कांग्रेस में अगर नेता में चुनाव जिताने की ताकत खत्म हो जाए हर व्यक्ति आजाद हो जाता है। बांधे रहने की ताकत, बॉन्डिंग क्या है राजनीतिक दलों में कि आप उनको सत्ता में ला सकते हैं, उनको आप चुनाव जिता सकते हैं, आप उनको राजनीतिक ताकत दे सकते हैं। अगर संगठन में और सत्ता में वह नेतृत्व में वह ताकत नहीं रह जाती तो लोग वहां चल जाने शुरू कर देते हैं जिनके पास वो ताकत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया, कौन सी वजह? आज स्थिति तो कम, ये क्या सामान्य बात है कि लोग यह कहने लगे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। कांग्रेस ने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त इंटरिनकंबेंसी का राजनीतिक माहौल तैयार किया, जगह जगह आंदोलन और भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लगाए। तो जो मुद्दे सामने लाया है विपक्ष ने उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप विषयांतर होकर के यहाँ की वहां की बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके दांव सीधे कैसे पड़ जाएंगे? इन दांवों से आपको सफलता कैसे मिल जाएगी? किस मीरा पे मिल जाएगी? अगर आप भ्रष्टाचार 40% का आरोप लगा था कर्नाटक में, 50% का आरोप लगा मध्य प्रदेश में, और ये हम आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेता नहीं है, लोग हैं वहां के स्थानीय लोग हैं। जबलपुर की यात्रा याद कीजिए, कांग्रेस की जो पहली जनसभा थी चुनाव घोषणा के पहले, अभी घोषणा हुई नहीं थी, चुनाव का अभियान शुरू हुआ था, प्रियंका गांधी ने 200 भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख किया था। उन मामलों को फिर दोहराया उन्होंने ग्वालियर में। उन मामलों पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो चुपचाप है, वो यह भी नहीं कहता कि यह झूठ है, वो यह भी नहीं कहता कि सच है, वो यह भी नहीं कहता कि इन भ्रष्टाचार के मामलों में अगर इसमें कोई दम है तो यह कार्रवाई की गई है। करता क्या है? प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर के भ्रष्टाचार संबंधी 41 मुकदमे दर्ज करा देते हैं। बाकी जिलों में हुआ कि नहीं हुआ मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कोई जिला बचा नहीं था, हर जिले में जाकर अपने मुकदमे दर्ज करा दिए। तो क्या इस बिना पर आप सोचते हैं कि आपको दोबारा जन समर्थन मिल जाएगा? क्या आप अगर अपने गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे? किस बात पर खड़े हो जाएंगे? कोई तो आप लोगों का आधार होगा। और अगर आप मुझे नहीं समझ में आता कि अगर यह इतने ही प्रतापी नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब इतने ही प्रतापी नेता है, ये प्रफुल्ल पटेल साहब इतने ही प्रतापी नेता है, सभी लोग कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को 2024 के चुनाव की चिंता है, तो अपने प्रतिष्ठित एमपी को जिनके पास बड़ी ताकत है, जिनको आप उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में आकर के जीत जाएंगे, आप उनको 2024 के लिए सुरक्षित क्यों नहीं रख रहे हैं? आप इनको बीच रेस में क्यों शामिल कराना चाहते हैं जी? और आप ये भी देख लीजिए कि आप किस तरह की तैयारी आपकी है और कितने आप इनको दमदार मानते हैं। जो अब तक 78 उम्मीदवारों की सूची घोषित हुई है, इसमें से 75 हारी हुई सीटें, केवल 3 सीटें जीती थी बीजेपी, अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था, उनमें आपने इन उम्मीदवारों को लिया है। तो कुछ अगर आप लोगों के बीच से उठे हुए मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके दांव उल्टे पड़ेंगे। लोगों की नाराजगियों को अगर आप दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, लोग आपके दांव में और आपकी झांसी में आने वाले नहीं। लोगों की जो शिकायतें हैं उन आप अभी कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेलाओं को संबोधित किया डिजिटल माध्यम से, उनमें से कितने मेले मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे? और अगर नहीं किए गए थे तो क्यों नहीं किए गए थे? आखिर रोजगार क्यों नहीं दिया गया?
सवाल इस बात का है, और क्या इनके अभाव में जो इस तरह के संकट लोगों के सामने हैं, इस तरह की जो बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों के बीच में आप ये दांव ये